अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, अभी तो टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं, मैं कपड़े प्रेस कर रही थी। मैंने कहा चलो ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। और कपड़े क्यों प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि आज हम घर की ग्रॉसरी लेने जा रहे हैं और काफ़ी लेट हो गया, 3 बजे बच्चों ने भी आना है और मेरा टाइम मैनेजमेंट जो है ना बड़ा ही ज़्यादा ख़राब है। तो कपड़े प्रेस कर रही थी, मैंने कहा चलो ब्लॉग भी ना साथ साथ में स्टार्ट कर लेती हूँ। और तो नहा के ना मैं अभी ये रेडी हुई हूँ, तो सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। ये सूट मैंने पहले भी पहना, लेकिन आज बहुत ज़्यादा लूज़ हो रहा है। इतनी पतली तो मैं नहीं हुई हूँ, ये सूट जो है वो कपड़ा जो है खुल गया है इसका। तो मैं आप लोगों से कह रही थी कि इतनी ज़्यादा पतली तो मैं नहीं हुई हूँ, सूट ही लूज़ हो गया। कुछ कपड़े, कुछ जो स्टफ़ होता है ना, वो ऐसा होता है कि लूज़ हो जाता है वॉश करने के बाद। और इस स्टफ़ के साथ भी ऐसा ही है, ये भी लूज़ हो गया है धोने के बाद। तो मैं आपको ज़रा दिखाऊँ, देखिए कितना कितना ज़्यादा लूज़ हुआ है। इतनी पतली तो मैं नहीं हुई हूँ, ये लूज़ ही हो गया है और कपड़ा खुल गया है ये धोने से ना, वॉश करने से बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया। तो खैर इस गर्मी में ना लूज़ लूज़ कपड़े पहनने का बहुत मज़ा आता है। तो खैर अभी मैं पूरी तैयार नहीं हुई हूँ, ऐसे ही बस पहना है। तो ये देखिए कितना लूज़ है। सब भी रेडी है, मतलब घर के ही कपड़े पहने हैं। और आहद ने भी, हम थोड़ा पास की मार्केट में ही जा रहे हैं, पास की मार्केट में जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो जो लाएंगे आप लोगों के साथ, ऐसा हो सकता है कि हम शेयर ना करें तो ज़रूर करेंगे। पिछला वाला ब्लॉग जो है वो मैंने डाला है, देखिए उसको ज़रा कैसा है और ज़रूर बताना। चलो आपके शूज़, चप्पल पहनी है, शूज़ पहने हैं, चप्पल पहनी है आपने, शूज़ पहने, चप्पल नीचे क्यों बैठ गए हो आप? असल नीचे क्यों बैठ गए हो आप? क्या हो गया? हाय, मेरे कुछ दो सूट्स थे जिनका दुपट्टा नहीं था मेरे पास। तो दुपट्टा तो है लेकिन उसको सिर्फ डाई करवाना है। तो दिखाती हूँ, ये दो सूट्स हैं, इनका ना शर्ट पीस लिया था और इनका बॉटम भी बना लिया, लेकिन दुपट्टे नहीं है दोनों के, ये भी है। तो जब मैं पहनूंगी बताऊंगी आपको कि किस तरह से ऑल ओवर इसकी लुक है। तो मेरे पास दो बिल्कुल, मतलब अनयूज्ड, बिल्कुल यूज़ नहीं किए, दो वाइट दुपट्टे हैं प्योर के, और इनको ही मैं कलर करवाऊंगी। तो इनको भी साथ लेके जा रही हूँ, कलर हो जाएगा साथ में। और छोटा मोटा काम जो होगा मार्केट में वो मैं कर लूँगी, बाकी ग्रॉसरी मैंने लिख दी है तो वो मेरे हस्बैंड ले लेंगे वहाँ से। ये है सारी सामान की लिस्ट और ये मैं ले लेती हूँ। हमेशा की तरह गेट खोलने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। और हम मार्केट पहुंच चुके हैं यहाँ पे। तो ये ब्लॉग आपको बहुत ही लेट मिल रहा है, हमने थर्सडे को शूट किया था और ये आपको मिल रहा है आज सैटरडे है। ये सैटरडे के दिन, क्योंकि असद बीमार है, काफ़ी ज़्यादा उसकी हालत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। और ये भी मैंने अपलोड नहीं किया था क्योंकि एडिटिंग थी करने वाली, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं खैर दुपट्टे दे आई हूँ डाई करवाने के लिए, पहले मतलब जो कलर करवाना है उसके लिए। तो ये हमारी यहाँ की मार्केट है, तो फिर हम ग्रॉसरी वाली शॉप पे चले गए। तो यहाँ से हम लेंगे अपनी ग्रॉसरी, सारे घर की ग्रॉसरी हम यहीं से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे है होलसेल रेट, जो MRP होता है उससे काफ़ी कम, मतलब 5 या 6 रुपीज़ ये हर एक चीज़ पर हमें लेस करके देते हैं। और मेरे हस्बैंड के थोड़े जान पहचान के भी हैं। खैर उसके बाद बच्चों का कुछ खाने का मन हो रहा था, तो हम आ गए यहाँ पहलवान्स में। और यहाँ पे कुछ खाने के लिए, तो आहद मेरी वीडियो बना रहा था लेकिन उससे बन नहीं रही थी, तो उससे मैंने फिर फोन किया। देखा हुआ है, काफ़ी लोग जानते भी हैं। और मैंने लिया था पनीर टिक्का, बाकी अपनी अपनी चॉइस थी सबकी। बच्चों मेरे हमेशा बर्गर ही खाते हैं और हस्बैंड अपनी चॉइस का, जो भी उनको अच्छा लगा उन्होंने खा लिया।
बाजार से आने के बाद बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, बिल्कुल कुछ भी नहीं। आते ही बच्चों के कपड़े चेंज किए, फटाफट से अपने चेंज किए और मतलब लग गई काम पे, जो क्योंकि आज मेरे ट्यूशन के बच्चों का, जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया, आज उनका एग्ज़ाम था और बच्चे दे रहे हैं बाहर एग्ज़ाम। मैंने अभी उनको पेपर डाला है, वो कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए देखिए मेरी ट्यूशन के बच्चे यहाँ पे सब बैठे हैं लाइन में और सब अपना अपना एग्ज़ाम जो मैंने डाला था पेपर वो सॉल्व कर रहे हैं, और बीच में जो छोटे बच्चे हैं वो एक दूसरे की हेल्प मांग रहे हैं। जैसे कि आप वो देख रहे हैं, छोटा सा बच्चा है वो अपनी बहन से हेल्प मांगने की कोशिश कर रहा है कि मेरी हेल्प कर दो। और उसके बाद ये कुछ गेम थी एक बच्चों के साथ, वो खेली मैंने और काफ़ी मज़ा आया, इंजॉय किया बच्चों ने भी, मैंने भी, तो टाइम का पता ही नहीं चला कि टाइम। यहाँ पे बॉईल हो रहे हैं वाइट चने और ये है हमारा दूध, अभी गर्म होना है और उसके बाद कुछ आज मैं ये ले ही आई हूँ। बाकी सारा सामान जो भी मैंने लाया है मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूँगी कि मैंने क्या क्या लाया है। और ये स्टडी टेबल, ये जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद ही बैठ के बात करते हैं। जो भी सामान मैंने लाया है इंशाल्लाह मैंने आप सबको दिखाना तो है ही है अगले ब्लॉग में, तो आप अगला ब्लॉग ज़रूर। बाकी सारी बातें तो खैर होती रहेंगी, और आज का ब्लॉग था यहाँ पे ये शॉपिंग वगैरह का, और कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। तो चले एक टॉपिक पे बात करना चाह रही थी मैं आप लोगों से। कुछ लोग ना मतलब सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, पता नहीं अगर आप लोगों को अनसब्सक्राइब करना ही होता है तो क्यों हमारे दिल में एक उम्मीद जगा देते हैं आप, तो हम खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई हमारा एक सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ गया, आज हमें एक सब्सक्राइबर मिला है, या दो मिले हैं, या तीन मिले हैं, जितने भी मतलब फॉर एग्जांपल हमें मिलते हैं। अगले दिन देखो YouTube स्टूडियो खोलकर तो वो अनसब्सक्राइब हो गया होता है और हम फिर से मायूस हो जाते हैं कि खैर ये क्या मेरे साथ हुआ कि पहले सब्सक्राइब किया और फिर अनसब्सक्राइब किया। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आपने नहीं करना है, अगर आपने सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ ऐसा ना किया करें। हम जैसे लोग बेचारे उम्मीद रखते हैं कि कहीं हम भी पहुँच रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग कर देते हैं अनफॉलो, तो बस हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो बीच में अहद आ गया था मौल साहब से, मतलब पढ़ के इमाम साहब के पास जाता है पढ़ने, वहाँ से आ गया था, तो इसलिए मैं बीच में बोलना रुक गई थी। तो मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ अगर आपने अनसब्सक्राइब करना ही होता है तो सब्सक्राइब मत किया करें, ऐसा ना करें हमारे साथ। अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू रहने दें, अनफॉलो करके आपको क्या मिल रहा है, सब्सक्राइब करना तो फ्री है ना, तो हमें सपोर्ट करना मतलब। तो ये बात थी, ये आप लोगों से बात करते हैं और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। कल का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़रूर देखिएगा, और हो सकता है बड़ा हो जाए और बच्चे जो हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं। आज एक्साइटेड हो कल के लिए, रिज़ल्ट के लिए, कौन फर्स्ट आता है कौन सेकंड, एक्साइटेड हो? तो एक्साइटमेंट कितनी ज़्यादा है आपको, ज़्यादा है कम है? ज़्यादा है। चलो देखते हैं फर्स्ट कौन आता है, और प्राइजेस भी मैंने रखे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और बाकी जो गेम्स के हैं वो तो मिलेगा ही उनको, तो खैर पता करते हैं, मतलब चलता है पता दोपहर रात को, मैं जब वो टेस्ट वगैरह चेक करूँगी तो पता चलेगा कि फ़र्स्ट कौन है सेकंड कौन है। और ऐसा है कि बच्चे मतलब लड़कियां बहुत एक्साइटेड हैं कि उन्हें है कि हम फर्स्ट हैं, ये है हमने अच्छा किया है, लड़कों ने नहीं किया है। तो ऐसा होता है, जब हम छोटे थे तब भी ऐसा, हमें भी ऐसा ही लगता था कि मतलब फर्स्ट सेकंड का बड़ा होता था। तो खैर वो भी बच्चे हैं, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। कल का ब्लॉग अच्छा हो जाए, अच्छा होगा, और कल का दिन भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। कल फ्राइडे है और सबका दिन अल्लाह ताला अच्छा करे, और जो मुश्किल में है अल्लाह उनकी मुश्किल को दूर करे, और जो बीमार हैं उन्हें अल्लाह बीमारी से निजात दिलाए। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, और कीप सपोर्टिंग मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।